अच्छा रिजवान इरफान साहब, जब हम बात करते हैं कि जी अच्छा हमने कोविड का दौर भी देखा था, कोविड के दौर में हमने देखा था कि जब मुश्किल हालात थे, कारोबारी सूरत हाल को देखते हुए दुकानें बंद थी, मार्केट्स के औकातकार बड़े महदूद थे, तो उस वक्त बहुत ही हमने देखा कि चीज़ों को स्मूथ करने की कोशिश की उस वक्त की हुकूमत ने। इस एक साल में आपने कहा कि जिस तरीके से हमारे कारोबारी हालात हुए, और अब इस बजट के बाद पता नहीं और क्या होगा, तो क्या लगा आपको कि इस हुकूमत में ज़्यादा बेहतर था या पिछली हुकूमत ज़्यादा बेहतर थी कारोबारी सूरत हाल के उस पर पूछूँ तो? मैं देखिए मैं आपको बताऊँ, कारोबार के हालात जो है, जो भी हुकूमत आती जा रही है वो कारोबार बदते बदतर तो जा रहा है। पहले जो आप कोविड की बात की आपने, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई अब हो गई है। तकरीबन कोई 30 से 40% जो है महंगाई बढ़ गई है। एक आम आदमी को गुजारा होना मुश्किल है। मैं कहता हूँ एक 25,000 का जो आदमी है जिसकी तनख्वाह 25,000 है, वो किस तरह गुजारा करेगा? और मैं कहता हूँ 25,000 के जो 1 लाख रुपए जिसकी 2 लाख रुपए की तनख्वाह है, उसका भी गुजारा करना मुश्किल हो गया है। देखिए ये महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत का काम था। जो बड़े बड़े जो यहाँ लोग जो अरबपति थे वो खरबपति हो गए, और जो बेचारे जिनके पास जो लाखों की मूड़ियाँ थी वो कोई करोड़पति नहीं हो सका, वो बेचारा वो माइनस में चला गया। तो ऐसी पॉलिसियाँ लाई गई यहाँ कि जो है यहाँ जो बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा हो, जहाँ तक कि आपने अभी खुद बताया कि जो है नॉन फाइलर जो है उसको फ़ायदा है यहाँ, ये बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का मौका मिल रहा है, वो वाइट हो जाएंगे। वो बेचारा छोटा आदमी जो नौकरी पेशा आदमी है, जो कारोबार करता है, छोटा ताजिर जो है, वो तो टैक्स दे रहा है, हर चीज़ में टैक्स दे रहा है, चाहे वो पेट्रोल में दे रहे, चाहे वो कोई पानी की बोतल ले, चाहे और ज़्यादातर जो है वो इनकम टैक्स पेयर है हमारे दुकानदार, और उनको अब और सख्तियाँ की जा रही हैं। हमने तो कहा हम टैक्स दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं और देंगे, लेकिन जो टैक्स नहीं दे रहे उनको तो टैक्स रेट में लाएँ। वो सारा जो है फ़ायदा वो उठा रहे हैं, छोटा ताजिर जो है पिस के रह गया है। हालत उसकी बुरी है, वो अब कारोबार नहीं कर सकता, बहुत हालत जो है परेशान है हमारे। मैं बता दे रहा हूँ, हमारे रोज़ाना मसाइल आ रहे हैं, लोग जो हैं बेचारे डिफॉल्टर हो रहे हैं, अपनी मूड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं उनकी, इस महंगाई के दौर में वो उसमें जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं होती, कुछ सुनती ही नहीं है, कुछ देखती ही नहीं है। अब फिर नीचे वालों को देखें बेचारों को, जो नीचे लोग हैं बेचारे, वो कितनी तकलीफ में, वो कितने परेशान हैं। आप ऊपर वालों को देख रहे हैं, आप नीचे वालों को देखें जो परेशान है। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट एक माँ की कर्जा अदा करे, उन लोगों को देखे, उन लोगों की तकलीफ दूर करे, उनकी परेशानियाँ दूर करे। मैं आपको बताऊँ, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बात की चीज़ है, जो खाने पीने की अशियाँ हैं वो इतनी महंगी हो गई है, वो दस्तियाब नहीं है। मेरे बहनोई से बात हुई, टैक्स वो अपना फैक्ट्री है उनकी हैदराबाद में, वो कह रहे हैं गैस नहीं आ रही हफ्ते 10 दिन से 15 दिन से, वो किस तरह फैक्ट्री चलाएंगे अपनी? वहाँ जो है वर्कर जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं वहाँ उनकी फैक्ट्रियों में। तो जब गैस नहीं आएगी, जब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, तो किस तरह कारोबार चलेगा? तो किस तरह आप लेके जा रहे हैं, ना बिजली है आपके पास, ना गैस है, आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। पहले मरात तो दें उनको, पहले उनकी फैसिलिटी तो करें उनके लिए, फिर उसके बाद जो है आप टैक्स लगाएं ना। तो आप गरीब को गरीब करते जा रहे हैं और अमीर को अमीर करते जा रहे हैं, ये कौन सी पॉलिसियां हैं? पॉलिसियां चेंज करनी होंगी, कब तक ये पॉलिसी चलती रहेंगी? बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अर्शद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।